हेलो एवरीवन, मैं हूं मर्तस्कीर और आप देख रहे हैं WsCube टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने समझ लिया कि गूगल एड्स क्या होते हैं, किस तरीके से गूगल एड्स काम करते हैं, ऑक्शन का मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है गूगल एड्स में, और उसके बाद हम लोगों ने एक वीडियो में ये भी समझा कि किस तरीके से हम क्वालिटी स्कोर को देखते हैं और क्वालिटी स्कोर क्या इम्पैक्ट करता है हमारा जो एड रैंक है उसके ऊपर और हमारे गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन कॉन्टिन्यूएशन बनता है वो ये बनता है क्योंकि गूगल एड्स की हेल्प से हम बहुत सारे एड्स बना सकते हैं। कहने को हम बहुत तरीकों के एड बना सकते हैं, अलग अलग टाइप के एड बना सकते हैं। तो कितने तरीके के एड हम गूगल एड्स के थ्रू बना सकते हैं, इसको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा गूगल एड्स का डैशबोर्ड है, ये ओपन है डैशबोर्ड। इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन चलते रहेंगे आने वाले वीडियोज में, एक एक चीज करके सारी चीजें कवर होंगी। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग देखेंगे कि कितने तरीके के हम एड्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी अगर मोटे मोटे तौर पे बात करी जाए तो कितने तरीके के एड फॉर्मेट्स को गूगल एड्स सपोर्ट करता है और वो एड्स हमें कहाँ कहाँ पर दिखते हैं। तो इन सारी चीजों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एड टाइप जो है और सबसे कॉमन जो एड टाइप है वो है हमारा सर्च एड। ठीक है, सर्च एड कहाँ दिखता है, यहाँ पर देख रहे हैं क्रिएट टेक्स्ट और कॉल एड्स दैट शो नियर सर्च रिजल्ट्स ऑफ google.com ऑन गूगल सर्च पार्टनर साइट्स एंड मोर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास एक एग्जांपल है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ये एक कीवर्ड यहाँ पर टाइप किया गया, ये एक क्वेरी यहाँ पर करी गई। इसके बेसिस पर हमें सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में ये रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं टॉप पे जो चार रिजल्ट्स हैं ये स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स हैं, ये गूगल एड्स रिजल्ट्स हैं। यहाँ पर छोटा सा एड है, ये इस बात का प्रूफ है। तो ये जो एड आप देख रहे हैं ये सारे सर्च एड्स हैं, क्योंकि ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज में आपको दिख रहे हैं। चार यहाँ पर है, नीचे कुछ हो सकते हैं, जैसे देखते हैं यहाँ पर, हाँ नीचे भी दो एड्स हैं, तो छह एड्स आपको इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर दिख रहे हैं, सर्च इंजन में दिख रहे हैं, इसलिए ये सर्च इंजन से रिलेटेड एड्स हैं, इसलिए इसका नाम सर्च एड्स है। नेक्स्ट हो सकता है गूगल की जो दूसरी पार्टनर साइट्स हैं, दूसरे पार्टनर सर्च इंजन हैं, उनके ऊपर भी ये एड्स दिखाई दें आपको। ठीक है, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ था कि कैन शो नियर सर्च रिजल्ट्स ऑफ google.com ऑन गूगल सर्च पार्टनर साइट्स ऑल्सो। उसके बाद जो दूसरा टाइप ऑफ गूगल एड होता है, जो दूसरा पॉपुलर टाइप ऑफ गूगल एड है, वो है हमारा डिस्प्ले। अब डिस्प्ले एड अलग अलग जगहों पर दिखता है, आप डिस्प्ले एड को गूगल एड के प्लेटफॉर्म के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं और वो अलग अलग जगहों पर दिखता है। किस तरीके से दिखता है अभी हम लोग देखेंगे इसको। क्रिएट विजुअली अपीलिंग एड्स दैट सर्व अक्रॉस द गूगल डिस्प्ले नेटवर्क ऑन यूट्यूब एंड ऑन मोबाइल और इन ऐप। मतलब चार जगह तो यहाँ पर दिख रही हैं, यानी गूगल की पार्टनर साइट्स, यानी वो जिन्होंने एडसेंस के साथ अप्रूवल ले रखा है और गूगल के एड्स वो अपनी वेबसाइट पर दिखा रहे हैं, उन लोगों की वेबसाइट पे ऐड दिखेगा, यूट्यूब में दिख सकता है, ऐप में दिख सकता है, मोबाइल ऐप में दिख सकता है। चलिए देखते हैं इन एड्स को, देखते हैं हम लोग एक बार। यहाँ पर मेरे पास एक वेबसाइट है ndtv.com, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर साइड में आपको बैनर एड, एक बहुत बड़ा सा बैनर एड दिख रहा है फार्म इजी का। ये एक डिस्प्ले एड है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी एक डिस्प्ले एड है। नीचे आते हैं देखते हैं और कुछ अगर डिस्प्ले एड हमें दिखते हैं। इस तरीके से आपके डिस्प्ले एड्स होते हैं। यहाँ पर एक और डिस्प्ले एड है जोहो मेल का। इस तरीके से डिस्प्ले एड आपको जो गूगल की पार्टनर वेबसाइट्स है, यानी कि इन्होंने एडसेंस अप्रूव करा रखा है गूगल का, और उसके बेसिस पर इनको यहाँ पर एड्स दिख रहे हैं। ये तो हो गई बात गूगल की पार्टनर साइट्स के ऊपर। मोबाइल में किस तरीके से दिखते हैं अगर आप देखना चाहें तो देखिए यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट है, इसमें आप देख रहे हैं ना मोबाइल में बीच में ये आपको एड्स दिख रहे हैं। इस तरीके से आपको मोबाइल में भी एड्स दिखते हैं, ऐप में इन बिटवीन आपको एड्स दिख सकते हैं। फाइन, यहाँ पर देख रहे हैं आप, जैसे यहाँ पर आपको एक ऐड दिख रहा है किसी पर्टिकुलर ऐप के बीच में, तो मोबाइल डिवाइसेस पे भी आपको ऐप के अंदर इस तरीके से एड्स दिख सकते हैं, डिस्प्ले एड्स दिख सकते हैं। तो दो जगह हुए जहाँ पर आपको डिस्प्ले एड्स दिखते हैं। उसके बाद आपको YouTube में भी डिस्प्ले एड्स दिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी कुछ फोटोज़ हैं, एक ये डिस्प्ले एड आपको दिख रहा है ना बीच में, जब आपका वीडियो चल रहा होता है उस वक्त कई बार आप बीच में देखते होंगे एक बैनर छोटा सा पॉपअप कर जाता है, तो ये डिस्प्ले एड है। साइड में आपको डिस्प्ले एड दिख रहा है, जैसे यहाँ पर ये साइड में आपको डिस्प्ले एड दिख रहा है। ठीक है, ये एक फॉर्मेट यहाँ पर आपको डिस्प्ले एड का दिख रहा है। इस तरीके से डिस्प्ले एड्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हमको दिखते हैं और इन सभी को हम गूगल एड्स की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं।
सो डिस्प्ले एड्स की बात हो गई, उसके बाद शॉपिंग एड्स। शॉपिंग एड्स बड़े स्पेसिफिक एड्स होते हैं। अगर आपको अपने किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर सेल करनी है, कोई प्रोडक्ट है जो ई कॉमर्स बेस्ड प्रोडक्ट है आपका, और उसके ऊपर स्पेसिफिकली आपको सेल लानी है, उसके सेल नंबर को इंक्रीज कराना है, तो शॉपिंग एड्स बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर क्या लिखा है, क्रिएट शॉपिंग एड्स दैट ड्राइव ऑनलाइन एंड इन स्टोर सेल्स, वेबसाइट क्लिक्स एंड अदर कन्वर्जन्स। सो शॉपिंग एड्स किस तरीके से आपको दिखते हैं, यहाँ पर जैसे कीवर्ड टाइप किया गया बाई ऑनलाइन शूज, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारे आपको शूज दिख रहे हैं। तो ये सारे जितने भी आपको यहाँ पर प्रोडक्ट दिख रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट बेसिकली शॉपिंग एड्स के थ्रू आए हैं यहाँ पर। यहाँ पर स्पॉन्सर्ड का आपको यहाँ पर ये सिंबल दिख रहा है, इससे आप समझ गए होंगे कि ये एक पेड एडवर्टाइजिंग का मोड है और ये सारे हमारे शॉपिंग एड्स हैं। कई बार साइड में भी आपको यहाँ पर भी शॉपिंग एड्स दिख सकते हैं। चलिए एक बार कुछ और कीवर्ड यहाँ पर टाइप करते हैं, देखते हैं दिखते हैं कि नहीं, बाई नाइकी शूज। सो ये यहाँ पर दिख रहे हैं, बट आपको साइड में यहाँ पर भी दिखते हैं कई बार शॉपिंग एड्स, आपको यहाँ पर भी दिख सकते हैं। सो कुछ और भी टाइप करके देख लेते हैं, बाई कीबोर्ड ऑनलाइन फाइन। सो ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इस बार शॉपिंग एड्स आपको राइट साइड में दिख रहे हैं। सो ये दो वर्जन में आपको शॉपिंग एड्स जनरली दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो चौथा फॉर्मेट है, टाइप्स ऑफ एड है जो गूगल एड्स में होता है, वो हमारा वीडियो ऐड है। वीडियो ऐड जनरली आपको कहाँ पर दिखता है, वीडियो ऐड जनरली आपको वीडियोस के स्टार्टिंग में, एंड में या बीच में दिखता है। कुछ फॉर्मेट्स में उसको आप स्किप कर सकते हैं, कुछ फॉर्मेट्स में वो स्किप नहीं होता है। सो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जो हमारा डिस्प्ले ऐड कभी कभी यूट्यूब के ऊपर दिखता है, उसमें लोग कन्फ्यूज होते हैं और इसमें कन्फ्यूज होते हैं जो यूट्यूब के ऊपर ऐड दिखता है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। वो डिस्प्ले ऐड है जो यूट्यूब वीडियो के बीच में दिखता है, और एक ये वीडियो ऐड है जो यूट्यूब के वीडियो में दिखता है। कैसे, यहाँ पर आते हैं देखते हैं, जैसे यही मेरा कोई वीडियो है, सो इस पर क्लिक करते हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको ये एक ऐड, यूडेमी का एक ऐड दिख रहा है। तो दिस इज बेसिकली वीडियो ऐड। तो वीडियो मार्केटिंग अगर आपकी प्रायोरिटी है, वीडियो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वीडियो ऐड रन कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ऐप ऐड मिलता है, तो ऐप ऐड बहुत बेसिक सा और आसान तरीके से इम्प्लीमेंट होने वाला ऐड है, और इस मेन जो मोटिव है वो यही होता है कि आपकी जो ऐप है उसके आप नंबर ऑफ इंस्टॉल्स इंक्रीज कर पाए। और उसके बाद आपको स्मार्ट फॉर्मेट का एक ऐड मिलता है, जिसको यूज करके आपको बहुत, मतलब स्मार्ट फॉर्मेट ये है कि ये अपना गूगल एड्स अपने AI सिस्टम बेस्ड आपके लिए ऑटोमेटिकली एड्स जो है वो डिजाइन कर देता है, आपको बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस करने को नहीं पड़ते हैं। तो बट अगर आप बिगिनर हैं तो एक बार आप स्मार्ट एड्स को कंसिडर कर सकते हैं, बट इससे उतना अच्छा आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा जितना कि आप स्पेसिफिकली, अगर आपको चीज़ें आती हैं जो गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करना आता है, तो आप उससे बाकी जो एड्स हैं स्पेसिफिकली उनके लिए आप ऐड डिज़ाइन करें, जो ऐड टाइप्स हैं उनके लिए ऐड डिज़ाइन करें और फिर अपना ऐड को रन करें। स्मार्ट ऐड कुछ हद तक तो काम कर सकता है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। तो दोस्तों ये 6 तरीके के आप देख रहे हैं ऐड टाइप्स, या हम कहें ऐड फॉर्मेट्स हैं जो गूगल एड्स सपोर्ट करता है और किन किन जगहों पर कैसे दिखाता है, ये मैंने आपको बताया। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और बेसिक आपको नॉलेज हो गई होगी कि गूगल एड्स में जो टाइप्स ऑफ ऐड फॉर्मेट्स हैं वो क्या क्या हैं और किस जगह पर वो दिखाई देते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।